हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. अभी हो गए हैं 8:30. ठीक है, अभी जल्दी से हम अपनी कॉफ़ी पी लेंगे. कॉफ़ी पी के फ्रेश होकर जिम चलते हैं. ठीक है, सो ऐसे दिन की शुरुआत होती है. अभी 8:15 होती है. थोड़ा कल लेट सोया था कुछ काम करके, तो हल्का सा लेट हो गया. एंड दैट इज इट. जल्दी से ये करते हैं, फिर जिम चलते हैं. आज पूरा तुम्हें डे इन अ लाइफ दिखाएंगे एग्जैक्टली क्या क्या करता हूँ पूरे दिन में, क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे होती हैं. तो लेट्स गो. एक इम्पॉर्टेंट चीज तो भूल ही गए. जनरली आई वेक अप एट 8. ठीक है, 8:30 तक फ्रेश वगैरह होके 1 घंटा जिम करने में लग जाता है. एक आने में जाने में टोटल 40 मिनट्स के आसपास जिम होता है. उसके अलावा फिर वापस आना जाना थोड़ा सा पूरे 5 मिनट लगते हैं. फिर आके अपना नहा धो के हम चलते हैं ऑफिस. तो थोड़े से लेट है, 10-15 मिनट, बट चलता है. अभी जल्दी जाएंगे. आज लेग्स और शोल्डर्स करने हमने, और बस चलता है. तर वीडियो वगैरह स्टार्ट करने से पहले यार, दूसरा चैनल स्टार्ट किया है कोड इन 10, एंड वहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं पढ़ाई रिलेटेड. ठीक है, ट्यूटोरियल्स होंगे इन 10 मिनट्स. अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन वगैरह सब दबा देना. ठीक है, अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. और सुबह सुबह इतनी मस्त प्यारी हवा चल रही होती है यार. यहाँ पे ना ये ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई है कि बीच में हमेशा हवा चल रही होती है. काफ़ी मस्त लगता है. बाकी यू शुड डेफिनेटली लिसन टू मेरे लॉस्ट स्टोरीज. अगर तुमने तक नहीं सुना तो काफ़ी मस्त गाने बनाते हैं. एंड EDM थोड़ा बहुत पसंद है. तो तो 40 मिनट एक्सरसाइज कर ली हमने. ऑलमोस्ट 40 मिनट एक्सरसाइज कर ली. ठीक है, अब निकलते हैं. आज थोड़ी जल्दी जल्दी करिए, बिकॉज लेट उठे थे. थोड़ा फास्ट फास्ट सारा करना पड़ रहा. जल्दी से जाते हैं, फिर नहाते हैं एंड निकलते हैं ऑफिस के लिए. एंड ऑफिस जाते कैसे मैं बताता हूँ. जनरली शटल आती है, पहले 11 बजे भी आती थी और 9 बजे भी आती थी. अब 11 वाली डिसकंटिन्यू कर दी क्योंकि रूट्स बढ़ा दिए हैं और 9 बजे तो नहीं जाया जा सकता. तो एक और तरीका है जिससे जाते हैं, बताता हूँ. अभी घर चलते हैं जल्दी से. तो ये अपना सेटअप है, इसमें हम अपनी कोड इन 10 वाली वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं. तो अभी ऐसे ही रखा रात को वीडियो रिकॉर्ड करके सोए थे. ओके, गूगल प्ले सॉन्ग्स प्लेइंग सम म्यूजिक ऑन स्पॉटिफाई. ठीक है, तो जल्दी से अपना बैग पैक कर लेते हैं और निकलते हैं. तो अब लेट क्यों गया, क्योंकि कल लेट सोए थे. अब लेट क्यों सोए थे कल, क्योंकि मैंने रिसेंटली तुम्हें पता है रिलोकेशन बेनिफिट्स लिए थे. मैंने 30 दिन का होटल स्टे मिला था, खाना वाना. तो जो खाने के पैसे होते हैं वो बाद में रीइंबर्स होते हैं विद लॉन्ड्री एंड एवरीथिंग. तो उसके लिए एक्सेल शीट भरनी पड़ती है कि हर दिन तुमने कितना खाया, क्या खाया, कहाँ से खाया. और दिस वीक वाज द लास्ट वीक टू क्लेम दैट, नहीं तो अच्छा खासे 1-1.5 लाख रुपये का नुकसान हो जाता. तो वो भरते भरते लेट हो गए. तो सुबह लेट उठे थोड़े से, आधा घंटे का ही फर्क है, ज़्यादा नहीं हुआ. बट ठीक है, अब जल्दी से पैकिंग करके निकलते हैं. जाने का क्या सीन होता है यार, शटल आती है जनरली, बट शटल आती है 9 बजे और जिम उससे पहले करना बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो खुद जाना पड़ता है. यहाँ पे ऊबर ऑटो, ऊबर बाइक, रपीडो, ओला बाइक, ये सब यूज़ करते हैं. मैं रपीडो यूज़ करता हूँ. मस्त बाइक पे 18-20 रुपये लगते हैं. बैठो जाओ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें कैसे जाते हैं. पहले जल्दी से कार में डाल लेते सारा सामान एंड लेट्स गो. तो ये अपनी रपीडो हम बुक कर लेते हैं. अभी बस 18 रुपये आते हैं. ठीक है, बुक बाइक. ठीक है, 4 मिनट्स में अराइव कर रहे हैं. जितने में मैं अपने शूज वगैरह पहनूंगा उतने में भाई ये नहीं कैप्टन साहब भी आ जाएंगे. तो जल्दी से शूज पहनते हैं, निकलते हैं. 4 मिनट्स में आते हैं ऑफिस में.
ऑफिस आ गए हैं, ठीक है, अभी हम अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो वैसे तो ओपन ऑफिस होता है, बट ऐसे मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मैंने एक रूम ले लिया है, रूम में बैठ के कर रहा हूँ काम वाम। एंड मेरे को थोड़े बिल्स वगैरह क्लेम करने हैं, तो वो भी कर रहा हूँ, साथ में बिल्ड हो रहा है, अपना काम चल रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि स्प्रिंट्स होती हैं, जनरली हर कंपनी में अलग होता है, हर टीम में अलग होता है। कुछ 6 मंथ्स की स्प्रिंट्स होते हैं, कुछ 3 मंथ्स की होती हैं, क्वार्टर होता है, कुछ 2 मंथ्स की होते हैं, कुछ 1 के होते हैं। हमारी टीम में 1 मंथ की होते हैं, 1 मंथ में वो टास्क कंप्लीट करने होते हैं, फिर हमारा आप फिर से रिलीज होता है, एंड ऐसे सारे काम चलते हैं। तो अभी उसी वाली स्प्रिंट के रिलीज के लिए काम चल रहा है, बस इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता सकते, वापस काम पर लगते हैं, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रही होंगी चीज़ें, ये तुम्हारी कॉफ़ी मशीन वगैरह, तुम्हारे ये वेंडिंग मशीन, इसके अंदर स्नैक्स रखे होते हैं, फ्रूट्स रखे होते हैं, तुम्हारी काफ़ी सारी चीज़ें रखी होती हैं। अब लंच, तुम्हें ब्रेकफास्ट, डिनर, किसी भी टाइम किसी भी चीज़ से पहले अगर तुम्हें भूख लग जाए तो जाओ वेंडिंग मशीन में बटन दबाओ और जो तुम्हें खाना है खाओ, ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री, कुछ इसके लिए चार्जेस वार्जेस नहीं होते हैं। इसके अलावा जो तुम्हारा ब्रेकफास्ट टाइम होता है वो 10:30 तक होता है, बट जनरली मैं घर से ही ब्रेकफास्ट करके जाता हूँ, तो वो चल सीन अपना। एंड यार आज बहुत सारी मीटिंग्स थी, आज मंडे था, एंड मंडे को जनरली मीटिंग्स थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, तो आज अराउंड 3 से 4 मीटिंग्स थी, एंड दो तो एक एक घंटे की थी, तो काफ़ी टाइम लग गया उसमें। एंड जनरली ऐसा नहीं होता, जनरली दिन में 1 या 2 मीटिंग्स होती हैं मैक्स, एंड मोस्टली टाइम काम कर रहे होते हैं। बॉल तो ली नहीं, ऐसे खेल रहा है, लो स्टार्ट करो। अब तुम्हारा यहाँ पे लंच का क्या सीन होता है यार, यहाँ पे ना बहुत सारे अलग अलग काउंटर्स हैं, तुम्हें तंदूरी मिल जाता है, तुम्हें एक मील मिल जाती है, बिरयानी मिल जाती है, अब उन स्टोरी के पिज्जा भी मिलने लग गए हैं। इसके अलावा फ्रूट्स काउंटर होता है, सैलड होता है, इन सब में से जो तुम्हें चूज करना है तुम चूज कर सकते हो। सबके अलग अलग कॉस्ट होता है, कुछ 60 का होता है, कुछ 70 का होता है, कुछ 80 का होता है, एंड तुम्हें पे नहीं करना होता है, तुम्हें कंपनी 200 रुपीज वॉलेट में देती है फॉर एवरी डे, लाइक मंडे टू फ्राइडे रोज के 200 रुपए मिल रहे होते हैं तुम्हें, उसमें से तुम खुद जो तुम्हें खाना है खा सकते हो। एंड जनरली जो मील होती है वो 100 रुपए की होती है, तुम्हारा सैलेड 60-70 रुपीज का होता है, तुम आराम से 2 मील्स खा सकते हो, या तुम ब्रेकफास्ट कर लो एंड लंच कर लो, या फिर तुम लंच कर लो एंड डिनर कर लो, या फिर लंच कर लो और इवनिंग के स्नैक्स कर लो, फ्रूट्स वगैरह खा लो। तो मैं क्या करता हूँ, लंच करता हूँ 100, 130, 150 के बीच में हो जाता है, एंड शाम को खा लेता हूँ मैं फ्रूट्स। 50 रुपीज़ का एक फ्रूट टाइप्स का मिलता है, बाउल टाइप का, वो तुम यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, जनरली ये मिलता है, तो मैं वो खा लेता हूँ और अपना मस्त रहता है। तो आज जनरली क्या होता है यार, हम 5:30 बजे स्नैक्स वगैरह के लिए चले जाते हैं। आज क्या हुआ, 4:30 से 5:30 तक मीटिंग थी, तो जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, एक मेरे को PR रेज करनी थी, मैंने PR रेज करी। जिनको नहीं पता ये सारे टर्म्स, कोई सीन नहीं है, कोड इन 10 जाके सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे पता चल जाएगा थोड़े दिन में, ठीक है। तो भाई लगातार मीटिंग ही चले जा रही है उससे अभी तक, 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक तो स्क्रम जो रोज़ होता है वो था ही, उसके अलावा एक और मीटिंग थी, एंड अब 1 घंटे बाद फिर से मीटिंग है। तो अब थोड़ी देर काम करते हैं, फिर मीटिंग के बाद 6 बजे शटल होती है, मीटिंग खत्म होती है शटल पकड़ेंगे और घर जाएंगे। 6 बजे शटल होती है जो तुम्हें घर पर ड्रॉप करती है, एंड यहाँ पर बहुत सारे रूट्स हैं, तुम्हें बस सर्विस मिल जाती है सॉर्ट ऑफ, जो तुम्हें ड्रॉप कर देती है घर पर, एंड पिकअप सर्विस भी मिलती है जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था, बट वो 9 AM मिलती है, 9 AM तो नहीं जाया जा सकता हमसे, बट 6 वापस बहुत आराम से आया जाता है। तो मैं शटल का यूज़ कर लेता हूँ, 5:30 जाते हैं, 5:30, 15-20 मिनट अपना खा लेते हैं, उसके बाद शटल की तरफ चले जाते हैं, शटल में बैठते हैं घर आ जाते हैं, घर आके कुछ और काम करना हो तो कर लेते हैं, नहीं तो जो तुम्हें अभी दिन में मैंने दिखाया ये सब होता रहता है, ये सब चलता है। तो अराउंड 6:20 हो गए, घर आ गए हैं, मतलब रास्ते में घर जा रहे हैं, एंड दिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं करनी, ठीक है। ऑफिस का काम थोड़ा सा करना है, उसके बाद ऑफिस वाला काम खत्म, फिर अपना जो 4 in 10 वाली वीडियोस थोड़ी और रिकॉर्ड करनी है, एंड पैकिंग करनी है, कल बैंगलोर जाना है, ठीक है, एक काम से, तो बस, और फिर तो थोड़ी बहुत चीज़ें और करेंगे तो तुम्हें साथ साथ दिखाते रहेंगे। अब चलते हैं घर पे, चेंज वेंज करते हैं, और 4 in 10 वाली वीडियो भी लाइव करनी है 10 मिनट में, वो भी करते हैं। सो द वीडियो इज लाइव, एंड हमने अपनी वीडियो को लाइव कर दिया है, जल्दी से जाके इसको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं, जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक करो अब तक नहीं किया है तो, इस पर नोट्स भी आ जाते हैं टेलीग्राम चैनल, अगर तुमने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड हमने 11,000 सब्सक्राइबर्स भी कम्प्लीट कर लिए हैं अपने वाले चैनल पर। सो अब यार अकेले रहते हैं ना तो इतना आसान नहीं होती ज़िंदगी, ठीक है, घर आओगे सब कुछ तुम्हें मिलेगा, अभी क्या करना है, कपड़े भी धोने हैं, ठीक है, कपड़े सुखाने पड़ते हैं जब अकेले रहना स्टार्ट करते हो, तो वीडियो लाइव करती कपड़े डाल देते मशीन में, धुल जाएंगे सुखा देंगे।
इसमें हम डाल देते हैं अपना डिटर्जेंट, ठीक है। रियल स्ट्रगल्स इन लाइफ, थोड़ा सा सॉफ्टनर भी डाल देते हैं। मेरे को पता नहीं था यहाँ पे डलता है, पहले फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं थे, बस इसको अब स्टार्ट कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, वो धुल जाएंगे आधे घंटे में। अपने कपड़े हम जल्दी से इनको सुखा देते हैं बाहर। स्ट्रगल तो है लाइफ में, हमारी मम्मी इतनी सारी चीज़ें करती हैं, हमें रियलाइज नहीं होता। जब अकेले रहना शुरू करते हैं जब रियलाइज होता है कि भाई साहब क्या क्या चीज़ें, कितनी ज़्यादा मेहनत है सब चीज़ों में। हम लोग ना गड़बड़ भी कर देते हैं, मम्मी अगर ये सेम चीज़ कर देती तो हम उनको कितना बोलते। अबे टॉवल के साथ धो दी, अब उस पर देखो ब्लैक ब्लैक पे वाइट वाइट आ गए हैं। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, हम पैकिंग करनी है तो बैंगलोर जाना है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, और इसके अलावा कोडिन 10 की 2-3 वीडियोज रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि करनी है वो तो, ठीक, इट्स अ पार्ट ऑफ द डे। एंड बस करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। तो यार करते फिर शुरुआत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी प्रॉब्लम, रैट इन द मेज। तो ठीक है, रैट इन द मेज पढ़ते हैं, उसके बाद टाइम देख रहे हो, जल्दी से खत्म करते हैं, सोना है, कल सुबह सुबह की फ्लाइट है। सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप तुम्हें पसंद आया हो। दिस इज द होल डे इन द लाइफ, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होते हैं, कई बार मीटिंग्स कम होती हैं, कई बार जिम जल्दी हो जाता है, कई बार जल्दी उठ जाते हैं, तो इतना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल नहीं है। एंड अभी रात को वॉक करने भी गया था मैं, वो भी तुम्हें मैंने दिखाया होगा, तो ये पूरा दिन रहता है अपना। एंड दिस इज हाउ इट गोज, अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग डन, आप सोते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।